Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for CVT PG 2024 exam, because in this video, I'm going to discuss all 10 DI questions that have been asked in CVT last year. So guys, questions ka level bahut tough nahi tha. Normal level ke questions the, even easy bol do. But main motive kya hai video banane ka, ki aapko idea lagega, ek motivation aayega ki DI kaisa aata hai paper mein. So guys, video ko like and subscribe karo to aapke liye acha rahega, because hum log ke channel mein lagatar content based प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते हैं गाइस। लास्ट ईयर पेपर में 100 क्वेश्चंस थे, बट इस बार 75 क्वेश्चंस हैं। सो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार डीआई के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस ये हम लोगों का टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं। आप सीवीटी का भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप, प्लस अगर आप सीमैट देने वाले हो सीमैट का भी ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलो गाइस देखते हैं क्वेश्चन। गाइस पहला सेट कैसा है? The amount of production and sales by a company over the years in lakhs units is shown. ठीक है, तो ये आपको lakhs में दिया हुआ है। ठीक है, जो units आपको दिए हैं production की sales की lakhs में। What is the difference of sales of 2003 and 2005 in 1000 units? So guys यहाँ पे difference क्या आ जाएगा sales में? अगर मैं बात करूँ sales आपका ये cylinder होता है, black cylinder होता है production। ठीक है, तो 2005 में सेल क्या है 10 एंड 2003 में सेल क्या है 9। तो सिंपल सा आ गया क्या, 10 माइनस 9 1, मतलब 1 लाख यूनिट्स। 1 लाख को अगर आप 1000 के मल्टीपल में लिखोगे तो क्या आएगा, 1000 के मल्टीपल में आएगा ये 100। सो 100 इज द आंसर, क्योंकि 100 इंटू 1000 जब हम लोग करते हैं हम लोग को 1 लाख मिलता है, राइट। तो गाइस आंसर 100 है। तो गाइस क्वेश्चन आप देख रहे हो बहुत ईजी है, बट अगेन थोड़ी सी भी सिली मिस्टेक अगर किया आपने, जैसे आपने लैक्स नहीं पढ़ा तो गलत गलत कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 100। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स बाय कंपनी ओवर द इयर्स इन लाख यूनिट्स, क्वेश्चन तो वही है। टोटल सेल्स ऑफ 2001 एंड 2002 टुगेदर आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स इन 2004। तो 1 एंड 2 की टोटल सेल्स, 1 में कितनी सेल है गाइस 6 है, 2 में कितनी सेल है 10, तो 16 टोटल सेल्स है। अब गाइस आपको पूरे लाख में लिखने की जरूरत नहीं है, जब भी परसेंटेज में क्वेश्चन आता है ना तो यहाँ पे लाख यूनिट से कोई मतलब नहीं, बिकॉज वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप सीधे 16 लिख सकते हो, 16 लाख। एंड 2004 में क्या है, ये आपका मिड में आ रहा है, 14 एंड 12 के बीच में 13, तो 16 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 13, डेफिनेटली ये 100 से ज्यादा आएगा। इसको आप कैंसिल करोगे क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट पूछा गया है, 13 मजे 13 3 13 2 26। ठीक है, तो 120 के अराउंड कुछ रहेगा, तो आंसर आएगा 120% के अराउंड। बेसिकली कर क्या रहे हैं हम लोग, ऐसा कर रहे हैं 16 बाई 13 इंटू 100, ये कर रहे हैं। ठीक है, तो 1.25 समथिंग इंटू 100, तो 120 के अराउंड रहेगा, तो ये आ गया इसका आंसर 120%। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन सेल्स, सेम क्वेश्चन है, इन विच ईयर द परसेंटेज ऑफ सेल्स टू प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, सेल्स टू प्रोडक्शन का परसेंटेज किसमें मैक्सिमम है। तो गाइस आपको सारे 6 ईयर्स का चेक नहीं करना है, इन चार में देखो मैक्सिमम क्या है। 2002 की याद करूंगा तो इसमें आपका ये सेल 10 है एंड प्रोडक्शन आपका 13 है, तो 10 बाई 13 हो गया एक। अगर मैं 2004 की बात करूं, ये आपका है 13, ये आपका है 16, 13 बाई 16 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, फिर अगर मैं 2006 की बात करूं, ये आपका 16 है, ये आपका 18 है, 16 बाई 18 इज वॉट, इट इज 8 बाई 9। ठीक है, उसके बाद 2001 बचा है, 2001 6, ये आपका 6 है और ये आपका 7 है, राइट, तो 6 बाई 7। अब गाइस डिवाइड करना है बस आपको, 6 बाई 7 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 8 जो 56। ठीक है, 7 56 हो गया और 7 5 0.85 के अराउंड आएगा ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब गाइस यहाँ पे अगर हम लोग आए 8 बाई 9 अप्रोक्सीमेट देखना आपको, बस 8 बाई 9 क्या हो जाएगा, 9 9 81 होता है, 9 8 72, और आपका कितना बचा 8 बचा, फिर 9 8 72 0.88 के अराउंड आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। अब गाइस देखो 16 बाई 13 कैसे जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करो तो 16 8 जा होता है 128, 13 को अगर 16 डिवाइड करोगे आप 128 2, ठीक है, 0 करोगे 0.81 समथिंग आएगा, तो कम हो गया,
अभी तक का डेफिनेटली ये हाईएस्ट है। और 10 बाई 13 करेंगे तो क्या आएगा, 100 बाई 13 जल्दी से कर लो, 13 7 जा 91 तो चले गया, तो 7 9 में आ रहा है, तो हाईएस्ट कौन सा है, 8 बाई 9। 8 बाई 9 कौन सा है, हम लोगों का 2006 वाला है, 16 बाई 18 सबसे हाईएस्ट इसका प्रोडक्शन है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। चलो गाइस तो चलते हैं आगे। अब द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वॉट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन फ्रॉम 2003 टू 2004। तो गाइस यहाँ पे क्या है, सीधे इंक्रीज का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रोडक्शन का इंक्रीज पूछ रहा है वो। ये 12 है, ये 16 है, 16 इज हाउ मच मोर देन 12, तो ये आपको पेन से उठा के करना भी नहीं पड़ेगा, सीधे 4 बाई 12, 33.33%, 33% आंसर आ गया। वॉट इज द परसेंटेज ड्रॉप इन द सेल्स फ्रॉम 2002 टू 2003, परसेंटेज ड्रॉप इन द सेल्स। बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना गाइस, ये आपका 10 है, ये आपका 9 है, 9 10 से 9 हो गया, कितना ड्रॉप हुआ, 10% का ड्रॉप हुआ, 9 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100, 10%। तो गाइस आई बिलीव कि आपने कभी भी इस तरह क्वेश्चन तो नहीं देखे होंगे किसी भी एमबीए एग्जाम में, तो एक देखा ये मोटिवेशन है कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सीयूटी में। ठीक है, ये आपका सेट पूरा हो गया एक 5 क्वेश्चंस का। बस लेंथी की बात करूँ तो बस यही क्वेश्चन 5 में से लेंथी था, 2 इजी था, बट ये कंपेयर करें बाकी क्वेश्चन से। अब ये सेट में आते हैं, इसमें ये नया सेट है, द फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ अ कंट्री इन द गिवन पीरियड। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स आपका ब्लैक वाला है, इम्पोर्ट्स आपका लाइट वाला है, इसको माइंड में रखना ताकि बार बार देखना ना पड़े। इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट इज क्लोजेस्ट टू 100%। 2006 से चेक करो, ये आपका है 450, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या है इसका 350, तो डिफरेंस 100 करोड़ का आ रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली पहले ही क्वेश्चन आंसर हो गया, बाकी चेक ही नहीं करने आपको। उसने ये पूछा ना डिफरेंस किसका 100 करोड़ है, तो यही है, बाकी चेक ही नहीं करना। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इन 2016 वॉज वॉट परसेंटेज ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इन 2014 15 एंड 17। एक्सपोर्ट्स की वैल्यू क्या है, वो देखो आप, ये है 450। ठीक है, एक्सपोर्ट्स इज वॉट परसेंटेज ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स, पहले टोटल इम्पोर्ट्स निकालो, 2014 का इम्पोर्ट्स कितना है गाइस, 250, 2015 का इम्पोर्ट्स क्या है, ये आपका 225, 2017 का इम्पोर्ट्स क्या है, ये भी आपका 225, ये हो गया आपका कितना, ये आपका हो गया बेसिकली, ये आपका मेरे ख्याल से 275 होगा। ठीक है, 2017 का 275 है गाइस, ठीक है कोई बात नहीं, ये आपका कितना आ गया, ये ऐड हो गया आ गया 500, 500 प्लस 250 750, 750 का आप एवरेज ले लो, अपॉन 3 कर दो, ये आपका आ गया 250, तो 450 अपॉन 250 आपको निकालना है। बस 5 5 जा 5 9 जा, तो 900 बाई 5 कितना होता है, दैट इज 180, 180% इज द आंसर। ठीक है, बस सारा डेटा आपके सामने है, बस करना है, सिली मिस्टेक का बहुत ध्यान रखना है बस। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट्स वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट्स वैल्यू, एक्सपोर्ट अपॉन इम्पोर्ट निकालना है 2014 का, एक्सपोर्ट क्या है 2014 में 375 इसके बीच में, और इम्पोर्ट क्या है, इम्पोर्ट है 2014 में 250 इंटू 100, तो 295 से काटो, 25 12 जा, ये आपको कितना हो जाएगा, 15 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, 15 बाई 10 इंटू 100 कितना आया, 150% आ गया। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट्स एंड एवरेज इम्पोर्ट्स ड्यूरिंग द गिवन ईयर, पूरे निकालना है, थोड़ा जल्दी, बाकी क्वेश्चन में कंपेरिजन लेंदी है थोड़ा, तो आप पहले टोटल एक्सपोर्ट निकालो, टोटल एक्सपोर्ट सारे ब्लैक वाले देखो, 2017 में क्या है गाइस, यहाँ पे आ रहा है 325 प्लस, ये आ रहा है 450, ये आ रहा है आपका 300। ठीक है, फिर ये आपका आ रहा है 375, फिर ये आपका आ रहा है 225, बस डेटा नोट करना सही से, ये आ रहा है 150, जल्दी से ऐड कर दो गैस, पहले सारे 00 वाले ऐड कर दो जो मल्टीपल 100 के हैं, 300 400 700 1000 1300 1500 1600, अब बाकी कर लो, 25 50 75 150
175 और 225, ये आपका आ गया 1825 टोटल एक्सपोर्ट। ठीक है, टोटल इंपोर्ट निकाल लें, ये क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है 275 प्लस 350 प्लस ये आपका हो रहा है 225 प्लस 250, ये कितना हो रहा है 150, और लास्ट वाला हो रहा है 75। 200, 300, 500, 700, 900, 1000, 1000, अब इनको ऐड करो, 75, 50, 125, 125, 150, 200, 250 एंड 325। तो गैस क्या आ गया, 1825 एंड 325, 1325। ठीक है, तो गैस देखो यहाँ पे एवरेज वाली बात है, तो आप क्या करो, अभी आप एवरेज मत दो, अभी आप ऐड कर दो इन लोगों को, सॉरी डिफरेंस लेना है, डिफरेंस ले लो अभी आप, डिफरेंस क्या आ रहा है इनका 500 का, अब डिफरेंस का एवरेज ले लो 0.6, कितना आएगा, 6 8 जा 48 और 6 3 जा 83 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन में आसपास 85 है। ठीक है, तो गैस यहाँ पे आप वही चीज करते, आप क्या करते, एवरेज लेते इसका, अपॉन सिक्स करते, अपॉन सिक्स करते, फिर माइनस करते, बात वही है, तब भी आपका 500/6 आता, अभी भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो गैस ये क्वेश्चन है आपके, मेरे ख्याल से खत्म हो गए क्वेश्चन, तभी बचा है। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इन 2016 ओवर 2015, मतलब तीन चार क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं जो पीछे वाली वैल्यू का इंक्रीज पूछ रहे हैं खाली, तो एक्सपोर्ट्स का इंक्रीज पूछा गया है, ये आपका 450 है और ये आपका है 300, 450 इज हाउ मच मोर देन 300, ये पूछ रहा है वो, मतलब ये क्या हो जाएगा, सीधे आपका आंसर क्या आ गया, सीधे आपका आंसर आ गया 50%। ठीक है, सो गाइस ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इजी थे, सेलिम से नहीं होगा, सारे सही करके आओगे और कम टाइम में, और आप लोगों ने काफी ऑलरेडी पढ़ रखा है डीआई के, काफी सारे क्वेश्चन करे होंगे एनमैट स्नैप के लिए, तो डेफिनेटली हो जाने चाहिए क्वेश्चन, बट गाइस जरूरी नहीं कि ऐसे ही पेपर आए, थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, बहुत टफ तब भी नहीं आएगा। ठीक है, तो एक आइडिया मिल गया आपको कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सीयूटी में, मोटिवेशन हो गया, बाकी रिवाइज करो अच्छे से गाइस। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज बेसिक्स, जितना आप कर पाओ। ठीक है, बाकी गाइस सीमैट का हम लोग का डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है 12th मार्च से, सब कुछ कवर है 0 से एंड तक, क्योंकि एग्जाम मुझे लगता नहीं 5th मई के पहले होगा, क्योंकि फॉर्म भी अभी नहीं आया है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि फॉर्म 15 या 20 मार्च तक आएगा शायद, उसके 50 दिन बाद एग्जाम होगा। ठीक है, तो या आप देख सकते हो सब कुछ, इंक्वायरी कर सकते हो व्हाट्सएप पे जाके नीचे, बाकी गाइस सीयूटी के मॉक्स अगर देखने हैं आपको, अगर टाइम है आपके पास, तो आप 6 पोलन मॉक्स यू कैन चेक 349 के। ठीक है, बाकी रिजल्ट्स एंड रिव्यूज, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का कैट एंड एमबीए का बैच चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, अभी मुश्किल से 5% सिलेबस भी नहीं हुआ है, तो आपको अगर अगले साल जाना है यू कैन चेक, काफी डिटेल्ड कोर्स है इंक्लूडिंग एवरीथिंग 0 से एंड तक। बाकी गाइस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक आउट। चलो गाइस ये नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो कोई डाउट हो तो, बाकी मॉक्सम.in में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बाय बाय।